हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको उषा जनोमे एल्यूर सिलाई मशीन के फंक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इसके मशीन के एसेंशियल पार्ट्स के नाम बताते हैं। ये रिवर्स बटन है, रिवर्स सिलाई के लिए इसे काम में लेते हैं। और ये लेंथ डायल है, स्टिच की लेंथ को कम ज्यादा करने के लिए यूज में आता है। और ये पैटर्न सेलेक्टर डायल है, इससे हम अलग अलग डिजाइन सेलेक्ट करते हैं। ये थ्रेड टेंशन डायल है, धागे की टेंशन को कम ज्यादा करने के लिए होता है ये। और ये थ्रेड टेकअप लीवर है, ये थ्रेड गाइड है और इसे हम बोबिन थ्रेड गाइडर कहते हैं। ये बोबिन वाइंडर स्पिंडल है, ये बोबिन वाइंडर स्टॉपर है, ये स्पूल पिन है, इसे हैंड व्हील कहते हैं। जब हम सुई को हाथ से घुमाने के लिए यूज होता है ये, ऊपर नीचे करने के लिए। और ये पावर स्विच है, ऑन ऑफ करने के लिए है ये। और ये पावर सॉकेट है इसकी। अब हम बॉबिन भरना बताते हैं। धागे को गाइडर में होते हुए बॉबिन पर 3-4 बार हम लपेट देंगे इस तरह से। और स्टॉपर की तरफ स्लाइड कर देंगे। हैंड व्हील को हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। अगर हम हैंड व्हील को अंदर ही रखेंगे तो हमारी सुई भी इसके साथ साथ चलेगी। ये देखिए, अब हम इसको वापस बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसमें सुई की जरूरत नहीं है चलाने की। ये हमारी बॉबिन भर गई है। ये बॉबिन भरने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अब हम इसको फिर इस तरफ स्लाइड कर देंगे और हैंड व्हील को हम अंदर की तरफ पुश कर देंगे। यहाँ एक कटर है, इससे हम इस धागे को काट लेंगे। अब हम आपको सुई में धागा डालना बताते हैं। सबसे पहले हम धागे को गाइडर में लगाएंगे। ये स्टेप 1 है। अब हम स्टेप 2 यू शेप या यू लिखा है, इस तरह से स्टेप 2 है ये। इस तरह से जाएंगे, टेकअप लीवर को बाहर निकालेंगे हैंड व्हील से इस तरह से। और धागा डालते वक्त ध्यान रहे कि धागा राइट से लेफ्ट की तरफ ही डालना है, नहीं तो धागा बार बार टूटेगा और धागा फंसेगा। अब हम इस तरह से डालते हुए यहाँ 2 हुक देर के उन हुक में डाल देंगे। ये नीडल थ्रेडर है, हम इसको इस तरह से नीचे लाएंगे और इसमें इस तरह से अब हम हैंड व्हील को घुमाएंगे तो अंदर वाला धागा इस तरह से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये टूल बॉक्स है, इसमें हम इसके टूल रखते हैं ताकि इधर उधर खोए नहीं। और ये जो सर्कुलर स्टिच के लिए यूज होता है, जैसे हमारे पेंट की मोरी है या सलवार की मोरी है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें गैप है, वो आसानी से घूमाने के लिए है। और ये सटल बॉक्स है, और जो हम सिलाई करते हैं कपड़े के रेसे यहाँ जमा हो जाते हैं। इसको सप्ते में जब हम ऑयल डालते हैं इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ। उसके लिए ये स्टॉपर है, ये स्टॉपर को हम इस तरह से खोल देंगे। ये बॉबिन है, ये रिंग है। जैसा कि हम रेगुलर सिलाई करते हैं तो हमें यहाँ पे 1-2 बूंद ऑयल सप्ते में डालनी चाहिए। और अगर हम रेगुलर सिलाई नहीं करते हैं तो महीने में 1 बार डाल सकते हैं। और ये मशीन पड़ी रहने के बाद भी महीने भर तक जाम नहीं होती है। इसको हम आपको अब लगाना बताते हैं।
सबसे पहले तो ये सुई मैक्सिमम ऊपर होनी चाहिए लगाते वक्त, और ये सी सर्किल को, ये सी सर्किल है, इसमें सी सर्किल दे रखा है, उससे मिला के लगाना है इस तरह से, इस तरह से। और अब हम इस रिंग को लगाएंगे। ध्यान रहे कि जो नुक्के दे रखे वो बाहर होने चाहिए, और ये जो शेप दे रखा कट का यहाँ पे, ये ऊपर होना चाहिए मशीन के, इस तरह से। और ये जो स्टॉपर है ये लगाते वक्त इसमें कट जैसी आवाज आनी चाहिए, तो मतलब ये सही से लग गए हैं, इस तरह से। और इसको हम हैंड व्हील को घुमा के चेक कर लेंगे कि सही से लग गई है, इस तरह से। ये प्रेशर फुट लिफ्टर है, जैसा कि ये एक बार हमने उठा दिया, और जैसे और मोटा कपड़ा हो जैसे, तो हम इसको एक बार और इस तरह से ऊपर उठा सकते हैं। ये टू स्टेप में होता है। अब हम आपको फुट चेंज करना बताते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक लीवर है, इसको हम दबाएंगे तो ये फुट बाहर निकल जाएगा इस तरह से। और अब हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि वो बताते हैं। इस तरह से हम रखेंगे इसको, फुट को। यहाँ पे जो स्लॉट दे रखा उस स्लॉट को स्लॉट से मिलाना है, ये लग गया। और एक बात का ध्यान रहे जरूर कि जब भी मशीन यूज नहीं करनी हो तब यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, वो बंद कर दे ताकि किसी को भी चोट नहीं लगे। अगर आपको डिजाइन बनाने का वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाइए। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।